बस एलजी ज्वाइन किया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. फर्स्ट तो सेल्फ पे फोकस करना था पूरा. जो जब हम सोचते हैं कि हम क्या हैं कौन हैं, 4 साल 5 साल मेडिसिन का फिजियोथेरेपी का कंप्लीट करके एंड देन स्टिल वी आर वंडरिंग कि क्या किया लाइफ में, मतलब इतना सब सीखा है क्यों सीखा है, कहाँ कहाँ ले जाना है, यहाँ तक जो भी सीखा है इसका कहाँ अप्लाई क्या करेंगे इसका. जहाँ पे भी जाते हो कहीं तो जॉब ले लो, वहां पे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं, मतलब वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना है उसमें. तो फिर आता जाता है जो सीखते हैं वही चीज अप्लाई करना होता है. वर्कशॉप में जो सीखा वो लाइफ में अप्लाई करो, वरना ये भी सीखा उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वही चीज हो जाती. बट यहाँ पे वो टूल्स ऐसे हैं कि हाँ जो सीखा है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई करना ही होगा. सो वो जब करने का आया तो सम थिंग्स दैट मेरा और मेरी मॉम का जो रिलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है पहले से. आज भी मैं यहीं पे बैठी हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम सपोज टू से. बट देन ये एक चीज जब आ जाती है कि मेरी मॉम के साथ जो मेरा रिलेशन है, आई स्टार्टेड टू फिगर आउट कि उसकी बहुत सारी वीकनेस है, वो मुझसे जुड़ी है. शी लव्स मी सो मच दैट शी कैन नॉट लीव मी और शी कैन नॉट इमेजिन मी विदाउट हर. और फिर वही चीज मैंने मार्च में की कि उसकी बहुत सारी ऐसी वीक, मैंने कहा मुझे अब्रॉड जाना है, नहीं अब्रॉड नहीं जाना है, अच्छा ठीक है चलो यहाँ जाना है, यहाँ पे भी नहीं जाना है. अच्छा मैंने कहा शादी तो होगी ना कभी, हाँ जब वो होगी तो ठीक है, वो तो माइलस्टोन होता है ना, एक स्टीरियोटाइप लाइफ का माइलस्टोन होता है, जब शादी होती तो जाना ही होता है, उसके अलावा तो कहीं और जा ही नहीं सकती है बेटी या बेटा कोई भी. सो आई टुक अ स्टेप मार्च में, आई स्टेप्ड आउट. पहले तो मैं अहमदाबाद चली गई. नेक्स्ट डे शिवा दीदी ने कहा कि तू बस एक बार तू बड़ौदा आ मुझसे मिल, फिर हम डिसाइड करते कि क्या करना है. और दोनों को मिली, दोनों ने कहा 2 दिन का तू समय ले, जस्ट मेडिटेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग एंड व्हाट यू वांट टू डू. आई सेड ओके. तब भी मैं घर नहीं गई, आई स्टेड फ्रेंडशिप होम पे ही मैं रुकी. दे गिव मी कंप्लीट सपोर्ट एंड स्पेस एंड टाइम टू थिंक व्हाट आई वांट टू डू. दोज 2 डेज वर वेरी प्रेशियस फॉर मी. और उसके बाद जो मेरे लिए माइलस्टोन्स, वो सही माइलस्टोन्स सेट हुए मेरे लाइफ के. मेरे पास उन्होंने जो डेडलाइंस रखी, 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते तक मैं फ्रेंडशिप होम पे रह सकती हूँ, तब तक मुझे एक नई जगह ढूंढनी है, मुझे रेंट भी सेट करना है, सब कुछ ये वो ना. मुझे अकाउंटिंग, मैं मेडिसिन पर्सन रही हूँ, अकाउंट्स मेरे पल्ले नहीं पड़ता था. बस एक चीज तब सीखी, जितना आता है उसमें से और फिर जितना जाता है उसके बीच में थोड़ा बैलेंस और फिर कम भी होना चाहिए. वो चीज करना था, वो चीज सीखनी थी, खाना पकाना सीखना था. घर पे तो हाँ सुबह उठे, मम्मी ने नाश्ता बना के दिया, सब कुछ रेडी, कपड़े रेडी, ये रेडी, सब कुछ एकदम यू नो प्रिंसेस, एवरीथिंग इन हैंड. कभी कुछ नहीं किया, झाड़ू भी नहीं पकड़ा हाथ में, बर्तन भी नहीं धुले कभी. और अभी जब मैं जहाँ पे रह रही हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ, जहाँ पे मैं खुद सुबह उठती हूँ एंड ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, अब तो लंच भी बनाती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, ओएसिस में पूरा दिन काम करके घर पे वापस जाती हूँ और अब किया हुआ ना लाइक ओके एंड देन क्लीनिंग, कपड़े धोना, बर्तन करना, खाना पकाना.